बोलने की कोई प्रतिस्पर्धा हो तो नरेंद्र मोदी इस स्पर्धा में नंबर बनाएंगे। वहीं अगर भारत में राज्यों की झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे रहेंगे। यह बात मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन वर्मा ने मजदूर दिवस के कार्यक्रम के दौरान इंदौर में कही। दरअसल मजदूर दिवस के अवसर पर इंदौर के हुकुमचंद मिल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के लोक निर्माण मंत्री सज्जन वर्मा, खेल एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी सहित कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी भी मौजूद रहे। हालांकि आचार संहिता को देखते हुए सांसद में भी ज्यादा नहीं बोले, लेकिन मंत्री सज्जन वर्मा ने इस दौरान मंच के माध्यम से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। वर्मा ने कहा कि यदि विश्व में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो नरेंद्र मोदी नंबर वन आएंगे, और राज्यों की प्रतियोगिता हो तो उन्होंने शिवराज को झूठ का पुलिंदा बताया। वर्मा यही नहीं रुके, इस दौरान वर्मा ने मोदी सरकार के कार्यों पर निशाना साधते हुए बाबा रामदेव को भी नहीं बख्शा। वर्मा ने बातों बातों में कह डाला कि आने वाले समय में हम पतंजलि और बाबा रामदेव के कार्यों पर भी जांच बिठाएंगे। हालांकि कार्यक्रम मजदूर दिवस का था, इस दौरान मंत्री पटवारी वह वर्मा दोनों ने कांग्रेस सरकार को मजदूर हितेशी बताया और कहा कि हुकुमचंद मिल के मजदूरों के रुके हुए राशि वह आगामी 6 माह में ही दिलवाएंगे। आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए मंत्री वर्मा और जीतू पटवारी ने मजदूरों को देने वाली सौगातों को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। जगह ही नहीं है। रोल। एक मिनट। स्पीकर। नहीं, मैंने आज मिल मजदूरों के सामने उनके मन की पीड़ा जितनी कांग्रेस समझते उतना कोई नहीं, लेकिन आज भी अपने मन की पीड़ा कांग्रेस की तरफ से बताई कि तुमने इतने बरस इतने सालों तक तुमने झूठ पे विश्वास किया, ताई 8 बार सांसद रही तुम्हारे लिए जरा तिनका भी नहीं हिला पाई, 15 साल से बीजेपी की सरकार रही, यहाँ के नेता मिल मजदूर के बेटे के नाम पे राजनीति करके रोज हवाई जहाज में मिल मजदूर का एक टाइम का चूल्हा भी नहीं जल रहा है। मैंने तुम झूठे लोगों की बात पे विश्वास कर लिए, 15 साल निकाल ये वादा करते हैं 6 महीने में न्याय मिलेगा, चाहे हुकम चंदू के लोगों चाहे राजकुमार मिल के लोगों, 6 महीने के अंदर हमारी सरकार न्याय दिलाएगी। हमें पीड़ा थी कि इतने लंबे अरसे तक झूठ के साथ तुम लोग चलते रहे, उसके आश्रय पे चलते रहे, पलते रहे, लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती। आज हमने घोषणा करी है 6 महीने में तुम्हें न्याय मिलेगा। लैंड यूज बदलने के लिए ऑर्डर हुआ है, कोर्ट ने निर्देश दिया है। लैंड यूज बदलने के पहले हम बैंक की जो लेनदारी है बैंक से निगोशिएशन करेंगे, 1 मुश्त सेटलमेंट जिसे बोलते हैं वो करेंगे, उसके बाद हम हमारी सरकार लैंड यूज करेंगे, क्योंकि बैंक से सेटलमेंट करना जरूरी, नहीं तो जैसे ही हमने लैंड यूज किया कि बैंक आगे छापा मार देगी, पूरा के पूरा ले जाएगी। तो हम तो मजदूरों के लिए करने के लिए बैठे हैं। भोपाल में कांग्रेस ये कितने झूठे लोग हैं। कन्हैया कुमार एक भला JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक स्नातक है, जिसमें गहरी सोच है, इस देश के प्रति आस्था है। अब ये तो देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, भला होगा, एक भी विजुअल ऐसा नहीं बता पाई कि कन्हैया कुमार ने इस तरह का नाम लिया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यदि प्रचार करने जाता है तो अच्छे दिन आने के संकेत में होता हूँ। कन्हैया कुमार जा रहे हैं प्रचार के लिए, और प्रज्ञा देवी 2 लाख वोट से हारेंगे, झूठ की बुनियाद पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा वर्मा जी, ये शिवराज जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का नाम लेना लेते हैं तो नहाना पड़ता है, क्या सलाह देंगे आप उनको नहाते? भैया तू नर्मदा यात्रा करी, नकली तूने शिवराज वहाँ को डुबकी लगा के नहीं आए, हमारे दिग्विजय सिंह ने तो पैदल चल के ओरिजिनल जो नर्मदा की परिक्रमा होती है आस्था के साथ हर तट पे हर घाट पे पूजा करी है। तो भैया शिवराज तूने तो सास की यात्रा करी होगी, कभी हेलीकॉप्टर से कभी कार से, पूरा पैदल चल लेता दिग्विजय सिंह के बराबर, तो आज
मैं कह रहा हूँ दिखता ही नहीं सूरज हेवी की नहीं। सर, 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 आज नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुँच रहे हैं लेकिन मंदिर से दूरी बनाई हुई है। ये तो वही पाखंडी है ना, ये भगवान राम अभी भी टेंट में है, अभी भी टेंट में है। दुष्टों को शर्म नहीं आ रही है कि कितने साल तक भगवान राम को घसीटते हुए कभी सड़क पे ले आते हैं, कभी अपने एजेंडे में रखते हैं, कभी एजेंडे से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो भगवान राम इस बार बदला लेंगे क्योंकि सियस्त घोटाले में महाकाल ने बदला लिया और इनकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से सरकार गई। अब भगवान श्री राम तैयार हैं इन भजप पाखंडियों की सत्ता को उखाड़ के फेंकने। मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी यदि विश्व में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो प्रथम पुरस्कार श्री नरेंद्र मोदी पिता दामोदर दास जी तो मूर्ख लोग हैं। अरे बच्चा बच्चा जानता है कि राहुल गांधी का जन्म भारत की पवित्र धरती पर हुआ, यहाँ पला बड़ा, यहाँ शिक्षा ली। अब इसमें चुनाव के समय क्यों याद आती है लोगों को, क्यों चुनाव के समय राहुल बाबा याद आता है, क्यों चुनाव के समय राम लला याद आते हैं, क्यों धर्म और मजहब याद आता है, क्यों हिंदू मुसलमान याद आता है। ये मेरा ये कहना है कि प्रज्ञा देवी, अब मैं कहूँ कि अब मैं बोलना नहीं चाहिए, बड़ा गंभीर विषय है। जिस तरह चरित्र प्रमाण पत्र हम लेते हैं ना बच्चों का, जब एक स्कूल से निकल के कॉलेज में जाता है तो चरित्र प्रमाण पत्र लगता है। तो मेरा कहना है कि जो इस पवित्र कार्य से निकलते हैं ये साध्वी संत के और राजनीति में आते हैं, इन लोगों से भी चरित्र प्रमाण पत्र लेना चाहिए। ये जरा अभी पंकज संघ लोकसभा में लोकसभा में भेज देता कितनी मिलावट करता है तो देखना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में आजकल तो अमित शाह जैसे पे भरोसा करना मतलब देश को डुबाना है। जो व्यक्ति अंबानी अडानी के कहने से देश चलाता हो ऐसे लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना, इसलिए निगरानी कराना। इंदौर में भी कोई जैसे निगरानी की जाएगी आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल करना ही चाहिए, इन पर भरोसा ही नहीं है, ये पाखंडी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा किसान आंदोलन की बात सामने आ रही है, दूसरी बढ़ती हो रही है उसको लेकर, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जो है वो एक से लेकर पाँच दिन तक बंद भी कर रहा है। उनका कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लाई हुई और ना कर्ज माफी हुई मध्यप्रदेश में। ये वही लोग हैं गुप्ता जी जो कभी बीजेपी के गुणगान किया करते थे। कर्ज माफी 21 लाख किसानों को हो चुकी है, लगभग 22-23 लाख किसानों, 25 लाख किसानों की कर्ज माफी चुनाव के खत्म होते ही उनकी कर्ज माफी के कागज तैयार पड़े हैं। कर्ज माफी का वादा हमने किया था, वो कर्ज माफी हमने मध्य प्रदेश की धरती पर लागू करके दिखा दिया किसानों के खाते गिर रहा है। उनके भविष्य को लेकर सरकारें काम करें, देश और समाज उसके लिए सोचे, मजदूरों के हितों की बात करें। उस पावन दिवस पर आज ये मजदूर दिवस का कार्यक्रम और मुझे और खुशी है, गर्व महसूस करता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी हमारे जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आज ही के दिन नियुक्त हुए थे। उन्होंने अपने आप को मजदूर जैसा प्रदेश के सामने रखा और सरकार जनता ने प्रदेश की बनाई, दोनों को बधाई, कांग्रेस जन को और प्रदेश को और मजदूर परिवार सबको एक साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। समाधान है कि आज ही एक साल के अंदर मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के हितों की सुरक्षा के इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, ये प्रदेश के सौभाग्य का विषय। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आ रहा है, आपने जो ट्वीट किया है कि भोपाल में दो राजनीतिक साध्वियों का मिलाप हुआ या फिर विलाप हुआ, किस तरीके का ट्वीट था ये आपका? सार्वजनिक रूप से मैं कभी भी छोटी और निम्न भाषा का उपयोग नहीं करता। मैं चूंकि हमारे परिवार की, देश के और समाज के वसुदेव कुटुंब की हम बात करते हैं तो महिला शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जिसका सम्मान करना परिवार का दायित्व है। साधु संत जो होते हैं वो समाज को दिशा देते हैं और हमेशा खुशियों में हम कैसे रहें, हमेशा सकारात्मकता से कैसे जिए इसकी दिशा देते हैं, निर्देश देते हैं, हमें समझाते हैं, समाज को ज्ञान देते हैं। मैंने वो दृश्य देखा जिस पर उमा जी और प्रज्ञा जी आपस में एक दूसरे को रो कर बधाई दे रही थी या सांत्वना दे रही थी, उस दृश्य को देखते हुए मुझे एक एहसास हुआ कि ये दर्द कैसा, ये विलाप कैसा।
जो संत होता है, साधु होता है, साध्वी होती है, वो समाज को खुशी और हंसने की शिक्षा देती है। तो ये क्या हुआ कि ये समाज में एक नई दिशा की ओर जाने लगा, और इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण चुनाव राजनीति है, और कारण चुनाव के हारने की पीड़ा है, कारण दिग्विजय सिंह जैसे सकारात्मक व्यक्तित्व का इतना बड़ा समर्थन भोपाल की जनता का है। तो मेरे मन में ख्याल आया, और मैंने परिवार जैसा हमारे माँ जी से मेरे पारिवारिक और अच्छे व्यक्तिगत संबंध भी है, मैं इनकी व्यक्तिगत रूप से बहुत इज्जत करता हूँ, पैर छूता हूँ जब भी मिलता हूँ, पर साध्वी को रोना समाज को सही दिशा नहीं देता। कहाँ यार ये धक्का, अरे ये आगे तो धक्का दिया जा रहा है ना, झुके जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में किसानों की डबल इनकम की बात कही, शिवराज सिंह चौहान ने भी कई सालों से कही, पर किसानों के आत्महत्या का ग्राफ बढ़ गया उन कारणों पे, जो नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों पे, जिसमें किसान के हालात बद से बदतर हुई। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ मुझे किसानों से बात करनी चाहिए, जागरूकता ही राष्ट्रभक्ति है, जागरूक समाज अच्छे निर्णय लेता है, अच्छी सरकार चुनता, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनता है। तो मेरा कोशिश है कि मैं जागरूक करूं परिवारजनों को कि नरेंद्र मोदी जी का फ्रॉड, उनका पाखंड, उनका बात कुछ और की और काम कुछ और किया, वो मैं जनता के बीच में लेके जाऊं। वही ठीक है, एक से लेकर 5 जून तक जो बंद का आह्वान भी किया है, आगे कहना है कि मोदी सरकार ना संविधान में रिपोर्ट लागू करवाई और पूर्ण कर काफी भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में हो नहीं। कक्का जी ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हमेशा किसान के मूल को सामने रखा, राजनीतिक दल की विचारधारा को। अगर उनने ये निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ किसान हित। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।